आइए हम बात कर लेते हैं अभी। मैंने मॉनसून स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मॉनसून के चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि इसके 6-7 वीडियो बनेंगे, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन कवर हुआ था। सेकेंड वीडियो मैंने पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाया था, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी विक्षोभ, ये ठीक है, उत्तरी हवा, इन दोनों से शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका मैंने पहला टॉपिक कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक, शीत ऋतु में वर्षा कौन कौन से किन किन हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। मैंने यहाँ पे लिखवाया था पश्चिमी विक्षोभ से, कब पश्चिमी विक्षोभ नाम हो जाता है इसका, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो मैंने ये पूरी चीजें कवर की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देख के आइए, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन और ये नहीं समझा रहेगा तो आगे का समझ से कुछ मतलब नहीं निकलेगा और आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए और फिर पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं भारत में शीत ऋतु में किस तरह से वर्षा कराती है, ठीक है। ठंडी के मौसम में कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है, कहाँ कहाँ पे नहीं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख के आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम कौन सी हवाओं की बात करेंगे, ईस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है, पूर्व और उत्तर। उत्तर पूर्वी हवाएं भारत में जब आती हैं तो वो भी शीत ऋतु में वर्षा कराती हैं। दो तरह की हवाएं शीत ऋतु में वर्षा कराती हैं। जब विंटर चलता है तो आपको पता होगा कि भारत में हर जगह पे अलग अलग मौसम में बारिश होती है। ठंडी में बारिश होती है, गर्मी में बारिश होती है और बारिश में तो बारिश होती है, ठीक है। तो ठंडी में भारत में कहाँ कहाँ पे बारिश होती है, मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में हिमपात के रूप में वर्षा होती है, बर्फ के रूप में। और फिर इस हवा से देखो, जब हमारा जो सन है, ठीक है, ये पिछले वीडियो मैंने बताया था, जस्ट रिविजन कर रहे हैं। जब हमारा सन जो है वो कौन से साइड पे जाता है, दक्षिणायन होता है, मतलब मकर रेखा पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है, तब हम देखते हैं कि इस भाग पे क्या होता है, समर होता है, यहाँ पे विंटर होता है, यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे सर्दी होती है। तो जब यह दक्षिणायन होता है, ठीक है, तो ये हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ की धारा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किससे टकरा के, हिमालय से टकरा के। ये सब पिछले वीडियो का, ठीक है, यहाँ पे मैं रिविजन करा रहा हूँ क्योंकि हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है, जो हम समझ रहे थे उसको कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं इसको वापस से एक वे में बता रहा हूँ। तो मैंने दो रास्ते मैंने बताया था कि हिमालय से टकरा के इसके भाग दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग जम्मू कश्मीर के साइड पे जाता है जो हिमपात के रूप में वर्षा करता है। सेकंड भाग कहाँ पे आता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में वर्षा कराता है। किस रूप में, बूंदों के रूप में। और क्यों बूंदों के रूप में कराता है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये बात हो गई थी पश्चिम विक्षोभ जो सर्दियों में वर्षा कराती है। अब हम किसकी बात करेंगे, उत्तर पूर्वी हवा की, ठीक है। उत्तर पूर्वी हवा जब इंडिया में एंट्री करती है तो कहाँ कहाँ पे वर्षा कराती है वो, ठीक है। ये दोनों बात हो जाती है सर्दियों में वर्षा। तो पहला कंप्लीट, सेकंड आज से देखते हैं। चलो, तो उत्तर पूर्वी हेडिंग डाल दीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून में हम क्या देखने वाले हैं, इससे पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट विश्व भूगोल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और सौरमंडल पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, बट अभी थोड़े से कंसेप्ट के लिए देख लीजिए। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, विषुव रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री पे क्या है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे है मकर रेखा, 23.5 डिग्री पे, ठीक है, इतना आप सबको पता है, 23.5 डिग्री पे ये है और ये, ठीक है। अब आपको पता है कि सन जो हमारा अर्थ है, अगर एक साइड पे विंटर है तो दूसरी साइड पे समर होगा, अगर नॉर्थ में समर है तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। कब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए जो भाग सन की तरफ होता है वहां पे क्या होता है, समर होता है, उसके अपोजिट क्या होता है, विंटर होता है। तो ये हमारा हो गया 21, 22 और 22, ये 22 दिसंबर हो गया, ठीक है, ये 22 मार्च हो गया और ये 21 जून, ठीक है, 21 जून, 22 मार्च और 22 दिसंबर हमारा सन जो है, ठीक है, 21 जून को उसकी जो किरणें होती है, जो प्रकाश की किरणें होती है, वो 21 जून को डायरेक्ट कर्क रेखा पे पड़ती है, डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे, और 22 मार्च को कहाँ पड़ती है, सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे तो हमेशा रहता है, बट एग्जैक्ट बोला जाए तो 22 मार्च को वो इक्वेटर पे ही होती है, ठीक है, और 22 दिसंबर को कहाँ पहुंचती है, मकर रेखा पे, 22 दिसंबर को कहाँ, मकर रेखा में। जब मैं सौर मंडल पढ़ाऊंगा, सोलर सिस्टम, तो उसमें मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, बट अब याद कर लीजिए इसको कि 22 दिसंबर में सन की जो रेखाएं होती है, जो प्रकाश होता है वो कहाँ पड़ता है, मकर रेखा पे,
और 22 मार्च को इक्वेटर पे और 21 जून को कर्क रेखा पे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, जो सन की प्रकाश पड़ती है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, ये बताया हमको ITCZ समझने के लिए। ITCZ क्या है बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो 21 जून को यहाँ पे आता है, 22 मार्च को इक्वेटर पे और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, ठीक है। तीन भाग में ये आपको समझ गया रहेगा। ITCZ क्या होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अतः हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है, ITCZ का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम ये समझते हैं, फिर मैं ITCZ बताऊंगा आपको और फिर ये पूर्वी हवा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम क्या बताता है, ये डायग्राम देखो, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस है। यहाँ पे एच लिखा हुआ है, एच मतलब लो प्रेशर, एच मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब जो एयर का प्रेशर होता है वहां पे ज्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। क्यों होता है, देखो इक्वेटर पे क्या होता है, सन की रेस जब पड़ती है, ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है, जब सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है तो जो जमीन होती है, जो हमारा सरफेस होता है, वो ज्यादा गर्म हो जाता है और उसकी जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। और आपको पता है गर्म हवा हमेशा ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जाता है, ठीक है। जब वो ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जाएगा तो वो जगह खाली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो जगह क्या होना स्टार्ट हो जाती है, खाली होना स्टार्ट हो जाती है। और हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी जगह थोड़ी सी भी खाली होती है तो वहां पे कोई ना कोई भरने के लिए उसको जरूर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे, उसकी हवा गर्म होती है, वो ऊपर की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है। और जैसे वो ऊपर की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होता है तो वहां से दूसरी हवाएं नीचे की तरफ आती है, जो ठंडी हवाएं होती है, ठीक है। वापस से कोई दूसरी हवा नीचे आती है, वापस से वो गर्म होता है और वापस से ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। ऐसे यहाँ से हवा है, यहाँ पे गर्म होती है और ऊपर जाती है। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर हमेशा गर्म होता है। तो यहाँ से जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से वापस से हवा आती है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है और ये हवाएं इस तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेस क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, जिसकी वजह से सरफेस गर्म हो जा रहा है। और गर्म होने की वजह से उसकी हवाएं किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ और ये हाई प्रेशर की एयर वापस यहाँ पे आती है और फिर ये लो प्रेशर के रूप में क्रिएट होकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ITCZ। ये जो लो प्रेशर क्रिएट होकर हवा बार बार ऊपर जाती है इसको क्या बोलते हैं, ITCZ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम है, ठीक है, फेरल का नियम, उसको समझ लेते हैं। फेरल का नियम, फेरल के नियम क्या बोलते हैं, ठीक है। फेरल के नियम के थ्रू हमको वायु दाब, जो हमारा एयर प्रेशर है, वो हमको पता चलता है और विंड डायरेक्शन पता चलता है। विंड डायरेक्शन क्या है, देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो फेरल ने क्या बताया, फेरल ने, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। तो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है, फेरल के नियम ने हमको क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जब सरफेस हीट होता है, ठीक है, सरफेस अगर इक्वेटर है, इक्वेटर से बात करते हैं, आप देख रहे हो इक्वेटर अगर हीट हो रहा है तो उसमें लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवा कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी। उसी समय ये हवाएं हमको क्या करने आती है, फिल करने आती है, भरने आती है, ठीक है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये दो हेमिस्फीयर बना दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हमेशा दाई ओर मुड़ती है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ती है। आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन मुड़ रही है, दाया और मुड़ रही है, और ये हवाएं किस तरफ मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं कौन सी तरफ मुड़ती है, बाई ओर मुड़ती है, ठीक है, कौन सी ओर, बाई ओर मुड़ती है। तो ये किसका नियम था, ये फेरल का नियम था। फेरल ने बताया कि जब कहीं पे ट्रॉपिकल जोन ITCZ ऐसा अगर क्रिएट होता है तो वहां पे जो उसके ऊपर की हवाएं होती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की, वो किस तरह से एक्ट करती है, ये दाएं तरफ की ओर, ये बाएं तरफ की ओर एक्ट करती है, ठीक है। ये था थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए। यह जब हम डीप में देखेंगे तो फेरल के नियम को अच्छे से समझेंगे, क्यों उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या था और इसके कारण क्या थे, और बाकी
पोल पे क्या चलता है, पोल पे किस तरह की हवाएं होती हैं, लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, वो सब भी बात करेंगे जब सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसको समझ लीजिए फेरल के नियम को, कि उन्होंने क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किस तरह उड़ती है दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाएं ओर उड़ती है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, ITCZ की, ठीक है। आपको ये लो प्रेशर समझ गया, ITCZ समझ गया। अब ये हवाएं देखो, जब उत्तर और पूर्वी हवाएं कहां से आती है, सर्वखंड से होके आती है, भूमि से, सरफेस से होके आती है ना, लैंड से होके आती है। ये हवाएं कहां से आ रही है, हमने देखा था ये हवाएं बारिश क्यों करती है, यहाँ पे हिमपात के रूप में वर्षा करती है और यहाँ पे बूंदों के रूप में वर्षा करती है। उसका रीजन क्या था, ये हवाएं पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं जो थी वो कहां से आती है, भूमध्य सागर से, यूरोप से होके आती है। यूरोप में किस किस सागर के ऊपर से आके होके आती है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सी, ये तीन सागर से होके आती है, जिसकी वजह से उस हवा में नमी ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां वो सागर के ऊपर से आती है तो वहां पे क्या होता है, ITCZ कन्वर्ट होता है और ये लो प्रेशर मतलब हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो उसमें नमी ज्यादा हो जाती है। और वही नमी जब भारत में इन पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ पे हिमपात के रूप में वर्षा करती है और इस साइड पे बूंदों के रूप में वर्षा करती है। और हवा में अगर नमी ज्यादा है तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कभी कभी बिहार और यूपी में भी ठंडी में बारिश होती है, ठीक है। तो यही रीजन है कि सर्दियों में यहाँ इस जगह पे क्या होती है, बारिश होती है। बट ये हवाएं बारिश नहीं करा पाती, ये हवाएं तो वर्षा करा देती है बट ये हवाएं वर्षा नहीं करा पाती है। क्यों नहीं करा पाती है, देखो, क्योंकि ये जो हवाएं होती है कहां से आती है, चाइना से, मतलब चाइना के इधर से आती है, तो वहां पे कोई बड़ा सी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा सागर नहीं है जिसके ऊपर से ये आती है। तो ये पूरी तरह से कहां से आती है, लैंड से आती है, जमीन से आती है। जब वो इंडिया में एंट्री करती है तो कुछ तो माउंटेन से टकरा जाती है, तो जो भी नमी होती है वो वहीं पे गिर जाती है और फिर हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है और जब आगे आती है तो हवा के अंदर इतनी नमी नहीं रह जाती है, जो ये हवा वहां से बह के आ रही है उसके अंदर इतनी नमी नहीं रह जाती है कि वो यहाँ पे बारिश कर सके, जिसके वजह से वो बिहार उत्तर इस साइड पे कभी भी वर्षा नहीं करती है ये हवाएं। कुछ हवाएं यहाँ से इस डायरेक्शन जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ती है तब उनमें नमी ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रही है तो सीधी सी बात है वहां पे पानी गर्म होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और उसमें उनमें नमी ज्यादा होगी। तो जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती है तो यहाँ पे वर्षा ना करते हुए कोरोमंडल, यहाँ पे कोरोमंडल मैंने आपको पढ़ा था, प्रायद्वीप भी पढ़ा रहा था, ठीक है, कोरोमंडल में, कोरोमंडल के पहाड़ से टकरा के यहाँ पे वर्षा को ज्यादा करती है, ठीक है। किन मौसम में, सर्दियों के मौसम में कोरोमंडल में वर्षा होती है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो सर्दियों में मौसम इस जगह पे और इन जगह पे ही होती है, बस यहाँ पे नहीं होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती है, उसका रीजन ये है, ठीक है। मैंने आपको क्लाइमेट और उसके बारे में फर्क बताया था, ठीक है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हर समय इसी तरह से रहता है। क्यों, क्योंकि सर्दियों में वर्षा हमेशा इस जगह पे होती है और इस जगह पे ही होती है, ठीक है। अब कोरोमंडल पे क्या किया इन्होंने, वर्षा यहाँ पे कर दिया और फिर वो हवा किस डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देती है, नीचे की तरफ, इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, उत्तर पूर्वी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ आपको समझ गया रहेगा सर्दियों में क्यों वर्षा करती है, और नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम, पूर्वी और उत्तर हवाएं कोरोमंडल तट पे ही वर्षा करती है, ना कि और किधर वर्षा वो करती है, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा में वर्षा नहीं कर पाती है, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, वहां पे वर्षा ना करते हुए, क्यों, क्योंकि वहां पे वो डायरेक्ट हवाएं सीधी आती है, बट हमारा जो कोरोमंडल का भाग है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसके वजह से ये हवा क्या होती है, यहाँ पे टकराती है और कोरोमंडल पे क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या निकला हमारा कि शीत ऋतु में वर्षा किन किन जगहों पे होती है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्दियों के मौसम में, ठीक है, या विंटर के मौसम में किन किन जगहों पे वर्षा होती है और किन हवाओं के थ्रू होती है, तो आप क्या लिखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, के द्वारा हिमालय में हिमपात होता है और पंजाब, हरियाणा, हिमालय के इस तरफ, ठीक है, हिमालय के साउथ की तरफ क्या होता है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा होती है। किस रूप में वर्षा होती है, बूंदों के रूप में वर्षा होती है। और ठंडियों में वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी हवाओं के थ्रू कोरोमंडल के तट पे वर्षा होती है। अगर इसका रीजन पूछता है कि कोरोमंडल तट पे क्यों वर्षा होती है, तो आपको ये रीजन बताना होगा, क्योंकि वो हवाएं कहाँ से आती है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती है, जिसके कारण उनमें नमी अधिकतर पाई जाती है और वो कोरोमंडल के तट से टकरा के वहां पे वर्षा
कर देती है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। कौन सा? उत्तर पूर्वी हवाएं। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ गया रहेगा। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों इसको बताया था। ठीक है, ये सिर्फ इक्वेटर के लिए बनाया था, पर जो यहाँ पे मैंने डेज बताया था कि दक्षिणायन और उत्तरायण क्यों होता है, कर्क रेखा पे मकर रेखा पे पड़ता है, तो ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 21 जून। ठीक है, जब दक्षिणायन होता है हमारा सन, ये याद रखना। तो ITCZ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ जाएगा ITCZ का मतलब क्या होता है। ये जो प्रोसेस चलती है, ये प्रोसेस हमेशा कहाँ पे चलती है? ये प्रोसेस हमेशा सन की निगरानी, मतलब जहां पे सन होता है वहीं पे होता है। तो अगर सन हमारा दक्षिणायन है, अगर मकर रेखा पे है, तो ये ITCZ कहाँ होगा? मकर रेखा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वो विषुवत पे होगा तो विषुवत की तरफ होगा, अगर वो कर्क रेखा की तरफ होगा तो कर्क रेखा के तरफ ही जाएगा। आपको पता है कि जब कर्क रेखा पे 21 जून को सन की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो आपको पता है राजस्थान में ITCZ की स्थापना हो जाती है। ITCZ यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर जाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको भी जब मैं 21 जून को कर्क रेखा, हम एक एक देखेंगे पूरी तरह से कि सर्दियों में वर्षा किस तरह से, अब सर्दियों में तो खत्म होगा, गर्मियों में वर्षा किस तरह से इंडिया में कराते हैं। ठीक है, गर्मी के बाद का जो मौसम होता है, उधर बारिश कैसे हमारे इंडिया में पहुंचती है, मानसून कैसे पहुंचता है, और किन किन जगहों पे किस दिन कराती है वर्षा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और ITCZ राजस्थान में किस तरह से ये बनता है वो भी देखेंगे, और राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है, ये हवा वर्षा क्यों नहीं करा पाती यहाँ पे वो भी देखेंगे, और ये हवा वर्षा क्यों नहीं करा पाती यहाँ पे ये भी हम देखेंगे। तो आप अभी दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सर्दियों में वर्षा किन किन क्षेत्रों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और पूर्वी उत्तरी विक्षोभ से, कौन 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 सी जगह पे होती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें सर्दियों जो विंटर में बारिश होती है वो कवर हो चुका है। इसके बाद हम ग्रीष्म काल की बात करेंगे, समर सीजन की बात करेंगे कि उसमें वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, और हमारे किन मतलब पूरे कंट्री में किस किस जगह पे पहले वर्षा होती है वो भी देखेंगे, और राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है उस पॉइंट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।